स्वागत है आपके इस वीडियो में। बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या डिस्कस करने वाले हैं। शैक्षिक उद्देश्य यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सवाल कैसे पूछ सकता है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि शैक्षिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शैक्षिक उद्देश्यों के प्रकार बताइए, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि शैक्षिक उद्देश्यों का लिखित व्यवहारिक पक्ष यानी कि राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द बिहेवियरल टर्म, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और ब्लूम्स वर्गीकरण। संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। याद रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, फिजिक्स, बायो, मैथ या और कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, इससे क्वेश्चन आपको आना है, आना है, आना है, और इस तरीके से लिखिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। या फिर सवाल मान लीजिए आपसे पूछता है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, या फिर जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, या फिर गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। कोई भी सवाल पूछ सकता है, या बस एकमात्र ये भी पूछ सकता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, आसान शब्दों में आप इस प्रकार लिखिए। देखिए, किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके उद्देश्यों पर विचार करना आवश्यक है। बिल्कुल आसान भाषा में, उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षण कार्य उचित रूप से नहीं हो सकता। आप इसको और ऐसे बेहतर बना सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपसे अगर जीव विज्ञान के बारे में पूछ रहा है, तो आप लिखिए कि जीव विज्ञान विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके उद्देश्यों पर विचार करना आवश्यक है। उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में जीव विज्ञान शिक्षण कार्य उचित रूप से नहीं हो सकता। आप इस भाषा में भी लिख सकते हैं, और चाहे तो जहाँ पे शिक्षण कार्य है वहाँ पे आप अपना जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित उसको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इस प्रकार से किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके उद्देश्यों पर विचार करना आवश्यक है। उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षण कार्य उचित रूप से नहीं हो सकता। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, टू गेट कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इट इज नेसेसरी टू कंसिडर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इन द एबसेंस ऑफ नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स द टीचिंग कैन नॉट बी डन प्रॉपरली। अब आइए थोड़ी सी इसको और विस्तार से देखते हैं। इस विषय में एक विद्वान का कथन है कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है। याद रखिए, उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्यों का ज्ञान नहीं, तथा शिक्षार्थी उस पतवारहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों से टकरा कर तट की ओर बहती। कहने का मतलब है, जब आपको उद्देश्य नहीं पता तो आप उस नाविक की तरह हैं, उस नाव चलाने वाले की तरह हैं जिसको अपना टारगेट ही नहीं पता, और उसमें बैठने वाला विद्यार्थी यानी उसमें बैठने वाला यानी कि शिक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी उस पतवार की तरह है जिसको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, और वो बस लहरों से बहकर टकराकर बहता जा रहा है। तो बड़ा ही आसान तरीके से और बहुत ही खूबसूरत लफ्जों में आप अगर ऐसे एग्जाम में लिख देंगे तो टीचर कहेगा वाह क्या लिखा है बच्चे ने। तो देखिए, इस विषय में एक विद्वान का कथन है कि उद्देश्य के बिना शिक्षण उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्यों का ज्ञान नहीं, तथा शिक्षार्थी उस पतवारहीन के नौके के समान है जब वो समुद्र की लहरों से टकरा के तट की ओर बहती है। इंग्लिश में बात करें तो विदाउट द नॉलेज ऑफ अ पर्पज अ टीचर इज लाइक अ सेलर हु डज नॉट नो हिज गोल एंड हिज लर्नर इज लाइक अ रडरेस बोट दैट इज अ स्विंग बाय द वेव ऑफ अ सी एंड ड्राफ्टिंग टूवर्ड्स द शोर। समझ में आ गए दोस्तों? तो शिक्षण उद्देश्य की ये आवश्यकता है। थोड़ी सी और विशेषता जानेंगे, उसके बाद तुरंत चलेंगे शिक्षण उद्देश्यों के प्रकार की तरफ, जो कि मेन टॉपिक है आज का। तो देखिए, उद्देश्य होने से क्या होता है, जब शिक्षा के उद्देश्य आप निर्धारित करेंगे तो फायदा क्या होगा। देखिए, उद्देश्यों को निर्धारित हो जाने पे अध्यापक तथा छात्र दोनों लाभान्वित होते हैं, तथा शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बस ऐसे लिख देना है, विषय के प्रति तन्मयता की भावना का जन्म उद्देश्यों के निश्चित हो जाने पर ही होता है, और उद्देश्य का निर्धारण हो जाने पर अध्यापक का कार्य सरल हो जाता है तथा छात्रों में आत्मबल एवं दृढ़ता आती है। बिल्कुल सही, उन्हें ज्ञात हो जाता है कि वह जो कार्य कर रहे हैं वह सार्थक है तथा उद्देश्यपूर्वक है। यह भावना दोनों पक्ष के उत्साह में वृद्धि करती है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में आप समझ गए। सेम चीज़ को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, वैन ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट आर बेनिफिटेड एंड द टीचिंग वर्क गोज ऑन स्मूथली। द फीलिंग ऑफ एफिनिटी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट इज बॉर्न व्हेन ओनली व्हेन द ऑब्जेक्टिव्स आर फिक्स्ड। ठीक है, वंस द ऑब्जेक्टिव्स आर फिक्स्ड द टीचर वर्क्स बिकम इजी एंड द स्टूडेंट गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रिजर्वेंस। ओके, दे कम टू नो दैट द वर्क दे आर डूइंग इज मीनिंगफुल एंड द पर्पजफुल।
दिस फीलिंग इंक्रीज द एंथुसियाज्म ऑफ द बोथ साइड, मतलब उत्साह दोनों का बढ़ाता है। तो बस आसान से भाषा में थोड़ी सी व्याख्या कर दिया अपने शिक्षक को। मेन देखिए, मेन टॉपिक क्या है कि शिक्षक के उद्देश्य क्या है भाई। तो मान लीजिए सवाल आपसे पूछता है कि गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण के उद्देश्य देखिए, शिक्षण के उद्देश्य को दो प्रकार में बांट दिया गया। कौन सा? सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। आपने लेसन प्लान जब बनाया था पाठ्य योजना उसमें भी आपने इसका जिक्र किया था, ठीक है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। अब आइए यहां से मजे की देखिए, ये जो विशिष्ट उद्देश्य है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इनके तीन पक्ष होते हैं, कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। अंग्रेजी में बात करें तो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। याद रख लीजिए, सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो तीनों पक्ष है ना, वो विशिष्ट उद्देश्य के प्रकार नहीं है। ना, ये इसके भाग हैं, ये इसके पक्ष हैं, ये इसके प्रकार नहीं है विशिष्ट उद्देश्य के, ठीक है। पहले सामान्य उद्देश्य देखते हैं, फिर विशिष्ट उद्देश्य में मजा आएगा। अब देखिए, सामान्य उद्देश्य क्या है? कोई भी आप शिक्षण करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए, बच्चों में कौशल का विकास होगा, अध्ययन में रुचि होगी, वैज्ञानिक विधि का विकास होगा और प्रकृति और संसार से प्रेम होगा बच्चों को। आप किसी भी बात कर लीजिए, ठीक है, आप मैथ पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, बायोलॉजी पढ़ाइए, फिजिकल साइंस पढ़ाइए, कोई भी चीज़ पढ़ाइए, तो बच्चों के अंदर एक कौशल का विकास होगा। जो भी पढ़ाएंगे आप, लिखिए कि गणितीय क्षेत्र में कौशल का विकास होगा, गणित के अध्ययन में रुचि होगा या भौतिक विज्ञान के शिक्षण में अध्ययन में रुचि होगा, आप वैसे लिखिए। वैज्ञानिक विधि का विकास होगा, गणित पढ़ाएं, भौतिक विज्ञान पढ़ाएं, बायो पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, वैज्ञानिक विधि का विकास होगा, प्रकृति और संसार से प्रेम होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे आपको और लिखना है, शिक्षण कोई भी शिक्षण होना तो बच्चों का सामान्य उद्देश्य क्या होता है कि वो अंधविश्वास से दूर होते हैं, तो अंधविश्वास का अंत होता है, और वो गुण और दोष की विवेचना करते हैं। व्यवसायिक मतलब बिजनेस के मतलब व्यापार के शिक्षा का एक आधार बनता है शिक्षक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है और वैज्ञानिक सोच उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये सामान्य उद्देश्य है। टॉपिक लिखिए और इसने जितना लिख दिया इसको सबको हेडिंग बना दीजिए, और अगर एक्सप्लेन करता है जैसे लॉन्ग आंसर में पूछता है तो इसको एक्सप्लेन करिए, नहीं तो केवल सामान्य उद्देश्य में डाल के ये पॉइंट ऐड कर दीजिए, ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अब मेन पॉइंट्स क्या है भाई? विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का क्या मतलब? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब यहां देखिए, मान लीजिए आपसे केवल सवाल ये पूछता है शिक्षा के उद्देश्यों के प्रकार बताइए, तो प्रकार में आपने सामान्य उद्देश्य लिख दिया, विशिष्ट उद्देश्य लिख दिया। विशिष्ट उद्देश्य के ये जो तीन पक्ष हैं, साइकोमोटर और अफेक्टिव और कॉग्निटिव, ये वास्तव में है क्या? ये वास्तव में एक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है लिखित तौर पे, जिसका प्रतिपादन बीएस ब्लूम ने किया था, ठीक है। तो बीएस ब्लूम ने ही राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द बिहेवियरल टर्म, शिक्षा के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखा था शैक्षिक बीएस ब्लूम में। तीन लोगों ने लिखा था, कौन कौन से? रॉबर्ट मैगर, रॉबर्ट मिलर और बीएस ब्लूम। ये तीनों आपके सिलेबस में है। तो जो बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य के विशिष्ट उद्देश्य के बारे में लिखा था उसी को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो शिक्षण उद्देश्य में आपने सामान्य उद्देश्य के बारे में ये देखा, और अब विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य में किसी एक राइटर मतलब बीएस ब्लूम का हम देख लेते हैं कि बीएस ब्लूम ने कैसे इसका प्रतिपादन किया था। अगर सवाल में आपको केवल ये पूछ दे कि शिक्षण के उद्देश्यों के विशिष्ट उद्देश्य का एक्सप्लेन करिए, तब भी आपको यही लिखना है। अगर आपसे सवाल ये पूछता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्रकार बताइए, तब भी आपको ये लिखना है। और अगर बस ये पूछ देता है कि बीएस ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप लिखिए, तब आप यहां से लिखना शुरू करिए। और याद रखिए, शिक्षा के उद्देश्य अगर पूछता है, व्यवहारिक रूप पूछता है, तब भी आप यहां से लिखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये आपको लिखना ही लिखना है, चाहे उद्देश्य की बात हो, बीएस ब्लूम की बात हो, उद्देश्यों का व्यवहारिक पक्ष की बात हो, या केवल विशिष्ट उद्देश्य की बात हो, यहां से आपको लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए, बीएस ब्लूम ने इसका प्रतिपादन कैसे किया था, विशिष्ट उद्देश्य के बारे में क्या कहा था। बीएस ब्लूम ने विशिष्ट उद्देश्य को तीन प्रकार से भाग दिया था। देखिए, ब्लूम संदेश पूर्ण शैक्षिक उद्देश्य को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया। मैंने पहले कहा ये इसके प्रकार नहीं है, इसके भाग हैं। उन्होंने कहा कि जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनके तीन पक्ष होते हैं, उनके तीन भाग होते हैं। उनके कहने का मतलब था कि जब ये आप तीन पक्ष को आप मजबूत कर देंगे, इन उद्देश्य के तीन पक्ष को आप प्राप्त कर लेंगे, तो आप शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त कर लेंगे। इसी को शिक्षा के उद्देश्यों का व्यवहार पक्ष भी कहा जाता है, इसी को शिक्षा के उद्देश्यों का बिहेवियरल टर्म कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स इन द बिहेवियरल टर्म, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द बिहेवियरल टर्म, इसी को व्यवहारिक रूप भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहां से देख लेते हैं, बीएस ब्लूम्स ने इसको तीन भागों में बांटा था, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष, ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष के उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए थे,
ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन और भावात्मक पक्ष में उन्होंने 5 पॉइंट दिए थे। आग्रहण, अनुक्रिया, मूल्यांकन, संगठन और मूल्यों का विशिष्टीकरण, यहाँ पे चरित्र निर्माण भी होता है। अब मनोक्रियात्मक पक्ष में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन और स्वभावीकरण और आदत निर्माण। इंग्लिश में भी ये सेम चीज़ें आपको लिखी, आप इसकी स्क्रीनशॉट लिखिए, बस आपको ऐसे ही लिख देना है। ओके, नॉलेज, कॉम्प्रहेंसिव एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, इवैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, इंपल्सन्स, ये यहाँ पे कभी कभी स्टिमुलस भी दिया होता है, और मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन एंड हैबिट फॉर्मेशन। तो ये उन्होंने दिया था। अब आइए, आपको सब एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि आप एग्जाम्स दे रहे हैं वहाँ पे, आपको बस इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, इसके बारे में, इसके बारे में। हाँ, अगर लॉन्ग आंसर में पूछता है, 15 नंबर में पूछता है दोस्तों, तो आपको बस इसको थोड़ा सा परिभाषित कर देते हैं कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक पक्ष क्या होता है, ठीक है, हर चीज़ समझेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले देखिए ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष की जब बात होगी तो आपकी बात ज्ञानेंद्रियों से होंगी, ठीक है। तो ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान से संबंधित है, व्यवहार में पुनः स्मरण, रिकॉल तथा पहचान की मानसिक प्रक्रिया को सक्रिय करती है, मतलब ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। कहने का मतलब है, उन्होंने कहा था, ब्लूम्स ने कहा था कि अगर आप शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने हैं तो सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष को प्राप्त कर लीजिए, आप अपने ज्ञान इंद्रियों को विकसित कर लीजिए। ज्ञान इंद्रिय शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिसका उद्देश्य हो कि आपके ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करे। और ज्ञानात्मक पक्ष में उन्होंने क्या दिया था, ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। पहले देखिए, तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य निम्न प्रकार से कौन कौन से, जैसे विशिष्ट बातों का ज्ञान, नई चीज़ों का ज्ञान हो जाए, विशिष्ट तथ्यों को प्राप्त करने की विधि का ज्ञान हो जाए, मान्यताओं और परंपराओं का ज्ञान हो जाए, प्रक्रियाओं एवं घटनाओं की गतिविधियों का ज्ञान हो जाए, विधियों एवं प्रविधियों का ज्ञान, विषय के अंतर्गत पाए जाने वाले वर्गीकरण श्रेणियों का ज्ञान, सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण का ज्ञान, ठीक है। तो ज्ञानात्मक पक्ष की जब बात होती है तो बस ज्ञानेंद्रियों से बात होगी, ठीक है। अब भावात्मक पक्ष क्या है भाई, भावात्मक पक्ष का मतलब है कि आपका इसमें वे उद्देश्य शामिल होते हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों से है। समझ में आ रही बात, भावात्मक पक्ष क्या है भाई, ये टोटली आपकी फीलिंग से रिलेटेड है, आपकी रुचि, आपकी अभिवृत्ति, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं, आपके मूल्यों से रिलेटेड है। भावनात्मक पक्ष में मुख्यतः बालक की अभिरुचि और अभिवृत्ति से जुड़ा हुआ है। भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों को स्तर के अनुसार 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो 6 वर्ग तो आप यहाँ पे आप देख चुके हैं, यहाँ पे 6 वर्ग हो गए। ओके, इंग्लिश में देखिए, इट इंक्लूड्स दोज ऑब्जेक्ट विच आर रिलेटेड टू चाइल्ड इंटरेस्ट, एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड वैल्यूज ऑफ द चाइल्ड। अफेक्टिव एक्सपीरियंस आर मेनली रिलेटेड टू इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द चाइल्ड। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अफेक्टिव साइड्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द लेवल। ओके, ये चीज़ हो गई। साइकोमोटर क्या होता है भाई, मनोक्रियात्मक पक्ष क्या होता है, इसमें वे उद्देश्य शामिल होते हैं जिसका संबंध बालक के क्रियात्मक अथवा मनोज्ञात्मक कौशल, कहने का मतलब है जो वो खुद से कर सके। इसमें विभिन्न अंगों और मांसपेशियों की गतिविधियां, मैंने कहा ना विशेष अंगों और मांसपेशियों की गतिविधियों को किसी विशेष कार्य को करने हेतु प्रतिमान में संगठित अथवा प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब ट्रेनिंग दिया। आसान शब्दों में लिखिए, इसका मतलब ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध आपके क्रियात्मक पक्ष से है, जिसमें आपके शरीर के अंगों मांसपेशियों द्वारा गतिविधि कराई जाएगी और आपके इस पक्ष का विकास होगा, मतलब कुछ एक्टिविटीज का विकास होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं वेरी शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव्स आर विच आर रिलेटेड टू इट, इट इंक्लूड्स दोज ऑब्जेक्टिव विच आर रिलेटेड टू द चाइल्ड्स फंक्शनल और मोटर स्किल्स, इन दिस मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड मसल्स आर ऑर्गेनाइज और ट्रेंड, ठीक है। तो आपको ऐसे ट्रेनिंग देनी है कि बच्चों कुछ एक्टिविटीज करें। अब आइए खत्म करते हैं इस वीडियो को। देखिए आसान शब्दों में समझिए, ज्ञानात्मक पक्ष आपके ज्ञानेंद्रियों से है, ये आपकी फीलिंग से है, आपकी भावना से है, आपके उद्देश्य से है। मनोक्रियात्मक मतलब आपकी क्रिया से होनी है, ठीक है। तो ब्लूम्स ने यही कहा था, इसी को इन्होंने व्यवहारिक पक्ष कहा था, इसी इन्होंने लिखित व्यवहारिक पक्ष कहा था कि अगर आप किसी बच्चे का आप विकास करना चाहते हैं, शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन 3 पक्षों का उद्देश्य प्राप्त करिए, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा डीपली समझते हैं। मान लीजिए आपसे अगर ब्लूम्स कहता है, ब्लूम्स, ठीक है, अगर केवल ब्लूम्स वर्गीकरण के बारे में पूछता है, शॉर्ट में पूछता है, शॉर्ट में, तो आप बस ब्लूम्स वर्गीकरण के बारे में लिखिए कि ब्लूम्स वर्गीकरण ने 3 पक्ष दिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक, ठीक है। या फिर अगर आपसे सवाल यह पूछता है कि व्हाट आर द राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द बिहेवियरल टर्म, आपसे यह पूछता है कि शैक्षिक उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप को किस प्रकार लिखते हैं, तो आप तो इस व्यवहारिक रूप के बारे में लिखिए और ये 3 पक्ष लिखिए और इन 3 पक्ष के ऐसे प्रकार लिख दीजिए, ठीक है। और किसी एक को, कभी कभी ये भी कह सकता है कि किसी एक पक्ष की व्याख्या करिए, तो जब किसी एक पक्ष की व्याख्या की बात करेगा तो आप ज्ञान,
अवबोध, ज्ञान का मतलब क्या हुआ? ज्ञान ये ना प्रमुख होता है, ये सबसे प्रमुख होता है, मतलब किसी चीज़ की ज्ञान प्राप्त करना। अवबोध मतलब किसी चीज़ को समझना, प्रयोग मतलब प्राप्त किए गए ज्ञान को समझने के बाद प्रयोग करना, और विश्लेषण का मतलब होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे समझना और फिर उस विश्लेषण को जोड़कर एक नई नियम और एक नए अपने अंदर व्यवहार के अंदर लाना और लास्ट में मूल्यांकन करना कि आपने शैक्षिक उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया। तो इन चीज़ों को आप बस एक को एक्सप्लेन करिएगा, सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ, अगर मान लीजिए 15 नंबर में पूछता है तो 15 नंबर में पूछे तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको शिक्षा के उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा लिखना है, ठीक है? शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, और ये चीज़ तो आप एग्जाम में लिख के आइएगा, ये बहुत अच्छा। देखिए जब आपके सवाल में ये आएगा तो ये लिख कर आना है कि उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं, जिसे अपना लक्ष्य ज्ञान नहीं, तो शिक्षार्थी उस पतवार ही नौका के समान है जो समुद्र की लहरों से टकराकर तट की ओर बहती है। ये चीज़ें लिख के आइएगा, ठीक है? तो ऐसे आपको लिख कर आना है, पहले शिक्षा का उद्देश्य लिखिए, फिर शिक्षण उद्देश्यों के प्रकार लिखिए, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, और सामान्य उद्देश्य के बारे में बस हेडिंग पॉइंट डाल दीजिए, और विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बस ब्लूम्स वर्गीकरण का नाम डालिए, ब्लूम्स बीएस ब्लूम का, और लिखिए कि बीएस ब्लूम ने विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक पक्ष के लिखने का ये रूप दिया, और इस रूप में इनके तीन ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक लिख के आइए। टीचर भी कहेगा वाह क्या बच्चा पढ़ गया है, ठीक है? तो इस वीडियो में मेरा और आपका साथ यहीं तक, ठीक है? तो बीएस ब्लूम के बारे में पूछे तो आप यहां से लिखना शुरू कर दीजिए, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है? आप एक बार चीजों को समझिए, किताब से देखिए, मिलाइए और खत्म कर दीजिए इस चीज को, ठीक है? बस फाइनल हो गया, एग्जाम में छाप के आइए, ठीक है दोस्तों? अब बताइए कमेंट में कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, काफी लंबा हो गया, उसके सॉरी। अगर वीडियोस में कोई इशू हो गई है तो प्लीज आप कमेंट बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से एक्सप्लेन कर दूं। और रही बात ब्लूम्स की, तो आप देखेंगे कि ब्लूम्स के बारे में एक स्पेशली वीडियो बन चुकी है, ठीक है? मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आसान भाषा में समझिए और बस एग्जाम्स में लिख के आइए, ठीक है? ये पॉइंट, ये स्क्रीनशॉट आप जरूर लिख के आइएगा, ठीक है? और ये शिक्षा के उद्देश्य के दो प्रकार आप जरूर लिख के आइएगा, कौन कौन से भाई? ये दोनों, और ये जो मैंने लास्ट में सबसे पहले कहा था शिक्षा के उद्देश्य के बारे में, ये जरूर लिख के आइएगा। और बाकी ये चीज़ तो आपको स्वयं ही पता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होता है, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे ना बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? उम्मीद है दोस्तों कि मैं बहुत हद तक कामयाब रहा आपको चीज़ें को समझाने में कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है? और शिक्षा के उद्देश्यों को व्यवहारिक पक्ष में कैसे लिखते हैं, तो ये चीज़ें शिक्षा के उद्देश्य मैंने बताया, शिक्षा के उद्देश्य का प्रकार बताया, और सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, और राइटिंग बिहेवियरल टर्म में मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, बिहेवियरल टर्म को तीन लोगों ने दिया था, ठीक है? तीन लोगों में कौन कौन से दिए? रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर, और तीसरे थे बीएस ब्लूम, मतलब सबसे पहले बीएस ब्लूम। तो बीएस ब्लूम के बारे में हमने देखा, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, और कमेंट बताइए कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और कैसी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी इन द कमेंट बॉक्स, डू लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज बी कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। मुझे खुशी होती है आपके कॉमेंट्स पढ़ के। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद जय भारत।